नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की कि दोपहर के कारोबार में बाजार में किस तरह की हलचल हो रही है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। गोल्ड में करीब 230 रुपए की मजबूती है, 31,400 के ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। क्या ये तेज़ी आज और बढ़ सकती है? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर है अजय जैन, ओमकेएम कमोडिटीज़ के डायरेक्टर दिल्ली से। अजय, क्या आपको लगता है कि गोल्ड में अभी भी करंट मार्केट प्राइस पर भी बाई करके चलना बेहतर होगा? मुझे गुड आफ्टरनून, यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जो रन है ये आज के लिए जो है थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच लगता है। और अगर हम देखें तो गोल्ड में अभी जिस तरीके से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग भी रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही है अभी, तो मुझे लगता है कि अभी $1,360 के आसपास गोल्ड के अंदर एक द्वारा से एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो 31,500 के आसपास अगर आता है तो वहां पे एक अच्छा सेल आज के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। 31,600 का स्टॉप लॉस रखें और वापिस जो है 31,300 तक के भाव आज इंट्राडे के अंदर दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज जो है वो इंट्राडे के लिए आज बेटर स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, और सिल्वर में भी आपकी यही कॉल होगी बिकवाली की? हाँ, सिल्वर में भी मुझे लगता है कि सिमिलरली हम देख रहे हैं अभी 47,000 के आसपास एक टेक्निकल यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई देता है, तो वहाँ पे अगर आज मिलता है तो एक सेल करना चाहिए। 47,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और नीचे में आपको 40,000 तक के भाव आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। क्रूड के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? एमसीएक्स क्रूड में जोरदार तेजी है, करीब 3% तक दाम बढ़ चुके हैं और 3,060 के ऊपर है। क्या आपको लगता है कि अभी 3,150-3,320 का लेवल दिख सकता है, बाई करके चलना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे हम जिस तरीके से प्रोडक्शन कट की जो बातें आ रही हैं सऊदी अरेबिया से और रशिया से, तो मुझे लगता है फंडामेंटली यहाँ पे जरूर एक बार शॉर्ट टर्म के लिए एक तेजी बन सकती है। 3,020 के आसपास एक टेक्निकल सपोर्ट भी यहाँ पे दिखाई देता है, तो वहाँ पे जो है मुझे लगता है दिन के लिए एक बार बाय करना चाहिए। 2980 का जो है वो उसमें स्टॉप लॉस रखें और 3,120 तक के टारगेट के लिए जो है वो वेट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब कॉटन की, और कॉटन पे ये खबर आई है कि एमसीएक्स पर कॉटन का भाव 6 हफ्ते के निचले स्तर तक लुढ़क गया है और भाव ने 21,110 रुपये प्रति गांठ के निचले स्तर को टच किया है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि फसलों की स्थिति में सुधार से भाव को भाव पर दबाव दिखा है। और साथ ही यूएसडीए ने यूएस में भी कॉटन उत्पादन का अनुमान घटा दिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं, फंडामेंटल हैं कॉटन को लेकर, और एमसीएक्स पर भाव अभी भी करीब 3% नीचे है। कॉटन के ऊपर आपका व्यू क्या है? देखिए, कॉटन में हमने देखा है कि ऑलरेडी एक पीछे काफी रन अप आ चुका है और मुझे लगता है कि अब आगे टाइम में देखें तो इंडिया के अंदर अभी डिमांड थोड़ा सा जो है वो अब उतना नहीं रहेगी। अब थोड़ा सा डिमांड जो है वो सीजन खत्म हो रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड साइड भी यहाँ डाउन साइड आएगा। एक टेक्निकल अभी आपको डाउन साइड और देखने को मिल सकती है, तो भी मुझे लगता है फर्दर 3-4% की डाउन साइड अभी उसके अंदर और देखने को मिलेगी। तो कॉटन के अंदर तो चल रहे हैं तो वो ज्यादा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जैन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।